झारखंड राज्य में लिप्त भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके क्षेत्र विधायक आलोक कुमार चौरसिया झारखंड भंडरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित सांसद प्रतिनिधि कार्यालय परिसर में भाजपा प्रखंड कार्यालय समिति की बैठक बुधवार को हुई। बैठक की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय एवं श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर वंदे मातरम गीत के साथ किया गया। बैठक में क्षेत्रीय विधायक आलोक कुमार चौरसिया ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगने की बात कार्यकर्ताओं से कही। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने के लिए धन्यवाद देते हुए झारखंड के भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नवंबर माह में विधानसभा चुनाव में तन मन धन से लगकर भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा बूथ सबसे मजबूत के तर्ज पर है और कार्य करने की जरूरत है। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजेश्वर ठाकुर ने की। धन्यवाद ज्ञापन आदिवासी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूषण सिंह ने की। बैठक कार्यक्रम में उपस्थित विधायक प्रतिनिधि बिरजू सिंह, सांसद प्रतिनिधि रूप निरंजन सिंह, जिला परिषद सदस्य हीरवंती देवी, रामकेश चौरसिया, विनोद गुप्ता, विजय केसरी, अनिल केसरी, कुंवर सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य रामजीत सिंह, जीतन सिंह, राजू ठाकुर, आनंदी सिंह, दिलीप तमोली, भीष्म चौरसिया, अमलेश चौरसिया, राजाद यादव, शिव प्रकाश सिंह, ज्ञानी सिंह, सत्यनारायण यादव समेत भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों की संख्या में बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सत्येंद्र कुमार केसरी की रिपोर्ट।